हुकूमत तो मुसलमानों को पस्त करना चाहती है। देश जो है बिल्कुल बर्बादी की तरफ को जा रहा है, बिल्कुल बर्बादी की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो, इनके पास और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये खाली ढोल है, लेकिन झूठ बोल रहे, अपना कॉल फेल चढ़ रहे हैं सारे के साथ, जो कह भी रहे हैं फिर कह कर पीछे घट रहे हैं। तो अभी ग्यारहवीं मस्जिद का मसला आया है, इसके बाद फिर किसी दूसरी मस्जिद पर उठाएंगे, किसी मदरसे पर उठाएंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम कैसे मान लें कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया? मकानों में बिल्डोजर चल रहे हैं, कहीं कभी हुआ है आज तक 70 साल हुकूमत चला? पहले बाबरी मस्जिद और उसके बाद अब कहा जा रहा है ज्ञानवापी। आपने बाबरी मस्जिद का बहुत सुना होगा पूरा मामला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आपको याद होगा कि जिसमें कहा गया था कि ये तो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 की जो बात की जा रही थी, लेकिन क्या हुआ ज्ञानवापी का, क्या कहते हैं उस पर मुसलमान? इलाके में हम पहुंचे हैं और बात करेंगे यहाँ कि ज्ञानवापी पर जो अदालत ने फैसला दिया है उस पर मुसलमान क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा वाली जो अर्जी थी, याचिका थी, उस पर सुनवाई करने की बात कही गई, उसको योग्य माना गया है, और उसी के साथ साथ जो मुसलमानों की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, शाही साहब ये बताइए सबसे पहले हमें कि जो ये वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि श्रृंगार गौरी वाली याचिका उसको हम योग्य मानते हैं, उस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने जो याचिका डाली है उसको हम खारिज करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुसलमान क्या करें? क्या आपको लग रहा है कि दूसरी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है ज्ञानवापी? गलत है बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो भी गलत है। जो पहले हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला हुआ था बाबरी मस्जिद के ऊपर कि अभी इसके बाद अब कोई कुछ नहीं होने का, तो अब ये क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, क्यों उसको, यानी हमारी याचिका को तो खारिज कर दी और उनकी याचिका को आप सुनेंगे और फिर इजाज़त दे, चाहे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आप, तो तुम क्या रहे, तुम क्या रहे और तुम फैसला कर रहे हो बेईमानी का? तुम तो मुसलमानों को पसे पुश्त डाल रहे हो और अपनी कानून से, अपनी उससे जो तुम कह चुके हो अपनी जुबान और कौल से, उससे पीछे हट रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद वाला मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि अब तो जो हो गया सो हो गया, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मुसलमान दुहाई दे रहे थे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा खड़ा नहीं होगा, जो जैसा है ऐसा ही रहेगा। आप क्या समझते हैं क्यों उठ रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप बताइए क्यों उठ रहा है ये सवाल? बेईमानी है। किसकी बेईमानी? हुकूमत की। क्या चाहती है हुकूमत? हुकूमत तो मुसलमानों को पस्त करना चाहती है। कौन सा खतरा है मुसलमानों से जो पस्त करना चाहती है? ऐसा क्या कर रहे हैं मुसलमान? हुकूमत को खतरा है कि मुसलमान हमारी इस हुकूमत पर काबिज हो जाएंगे। जबकि मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि भाई अब हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढिए। उनकी बात को भी क्यों नहीं माना जा रहा है अब, लेकिन हर मस्जिद की बात की जा रही है, काशी हो गया, मथुरा हो गया, उसके अलावा तमाम जगह हरदोई की मस्जिद की बात अगर आप कर लें, मस्जिद सारी मस्जिदों के उसमें आ रहा है तो, लेकिन झूठ बोल रहे, अपना कॉल फेल चढ़ रहे हैं सारे के साथ, जो कह भी रहे हैं फिर कह कर पीछे घट रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर ज्ञानवापी के? बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कलम पाक के अंदर, मस्जिद चाहे जितनी ऊपर चाहे उतनी ऊंची बन जाए, चाहे जितनी नीची जाए नीची बन जाए, कच्ची से पक्की हो जाए, पक्की से कच्ची हो जाए, जहाँ पे इमामत खाना बना हुआ है वहीं पे इमामत खाना बनेगा, दूसरी जगह बन ही नहीं सकता इमामत खाना, क्योंकि दूसरी जगह मस्जिद में अगर इमामत खाना बनेगा तो वहाँ मेरी नमाज नहीं होगी है। तो हम कैसे मान लें कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो? आप मुझे ये बताइए कि जो फैसला आया है वाराणसी कोर्ट का उसको किस तरह से देखते हैं आप, और जो कहा गया है कि याचिका पर सुनवाई होगी श्रृंगार गौरी वाली और मुसलमानों की याचिका को खारिज किया गया है, और अब ये भी कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि जितनी मस्जिदें हैं सबको खंगाल के देख लीजिए, सबकी खुदाई करवा लीजिए, हमारे भगवानों की मूर्तियाँ इनके नीचे मिलेंगी। भाई हमारे हिसाब से तो सारा जो है बेईमानी और झूठ है, सब सारा कुछ झूठ है ये, और झूठा बादशाह मुल्क का तो देश चलता नहीं है, सारा देश में भुखमरी हो रहा है, क्यों, जिस देश का बादशाह झूठा है तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है,
हाँ, तो सारा बादशाह जो है यहाँ का झूठा है, ये तो इसकी वजह से सारा हो रहा। काय के लिए हो रहा? वोट के लिए हो रहा। अच्छा, वोट बैलेंस के लिए हो रहा। जब वोट देगा, देंगे क्या लोग वोट? देंगे वोट, वोट वही देगा जो मंदिर का जो बना रहे हैं, उसको मोहरा बना रहे हैं, मस्जिद मस्जिद का मोहरा बना रहे हैं। मस्जिद मस्जिद का तो इससे मतलब ही नहीं है वोटिंग से। अच्छा। जो कि उसके जरिए चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, बावरी मस्जिद, ज्ञान बावरी, आएंगे वोट के मुद्दे पे। इनके पास और कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये खाली ढोल हैं सारे, पूरे वहाँ में दुनिया में खाली पड़े हैं ये। इनके बस की कुछ भी नहीं भाई, ये मंदिर मस्जिद चला रहे हैं और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं साहब ज्ञानवापी मामले पर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि जब ये फैसला आया कोर्ट का, तो उसके बाद जो चैनल के जो स्टूडियो हैं उनमें जो लोग बैठे हुए थे, प्रवक्ता हों या एंकर हों, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मिठाइयाँ बांटी गईं, और हिंदुवादी संगठन के जो वकील थे उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया तो एक लंबा एहतजाज करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए जनाब, बात ऐसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चल रहा सारा टोटली ये पॉलिटिक्स है। हिंदू और मुसलमानों को मैं जो है फूट डाली जा रही है। अच्छा। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है ये, तो अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आया है, इसके बाद फिर किसी दूसरी मस्जिद पर उठाएंगे, किसी मदरसे पर उठाएंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। हमें ये देखना है ये हो क्यों रहा है। ये सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को आपस में तोड़ने के लिए हो रहा है। हमारा देश बिल्कुल गर्क होता जा रहा है। आप ये देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कितने लाख करोड़ का कर्जा होता जा रहा है हमारे देश के ऊपर। श्रीलंका की तरफ बढ़ते हम जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी जो है बिल्कुल चरम सीमा पे है। कारोबार बंद हुए पड़े हैं, जब से GST लागू हुई है व्यापारों की, सबकी जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ हुआ है। हर एक चीज़ के ऊपर आप देख लीजिए, उधर रेलवे बिक गया, LIC बिक गई, सरकारी संपत्तियाँ बिकती जा रही हैं। और 8000 लोग हमारे इंडिया के जो बिल्कुल सबसे यानी कि धनी लोग थे, 8000 लोग वे हमारे देश को छोड़ के जा चुके। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है, वो देख रहे हैं कि देश जो है बिल्कुल बर्बादी की तरफ को जा रहा है, बिल्कुल बर्बादी की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और राज करो, सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है। और इसी में उलझा कर रखा है सारे। मुसलमान समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? इस बात को समझें और जवाब दें जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको। असल में बात क्या है कि TV पे दिखाया जा रहा है कि ये बड़ी बड़ी परियोजना चल रही है, ये चल रही है, ये हो रहा है, कागजों में दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई नौकरी निकल रही। अभी आपने देखा किस कदर के लोग सड़कों पर आए हुए थे, जो 4 साल के ठेके के ऊपर जो है लोग, जो आदमी सोचता है कि चलो मैं सरकारी नौकरी में सेफ हो जाऊंगा, लेकिन वो भी खत्म कर दी कि 4 साल के ठेके पे लोग काम करेंगे। तो सारी नौकरियां, आप ये समझ रहे हैं कि अभी ये मस्जिद और मदरसों का मुद्दा ठंडा नहीं होने वाला, ये बढ़ेगा और ये तो बढ़ता रहेगा। अभी ये खत्म होगा क्या ना, अभी इसके बाद किसी अगली मस्जिद का मदरसे का नंबर आ जाएगा और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है जी, लोगों का तो शुरू हो गया बिल्कुल। हाँ, क्या मदरसों का तो शुरू हो गया है, मदरसों का, सारे मदरसों को इनका जो सर्वे होएगा। हाँ। और इनको बंद करा चाहते हैं हो सर्वे? हाँ? चाहते हैं सर्वे हो? नहीं, सर्वे को हम तो नहीं चाहते सर्वे हो ना। सर्वे अच्छा, अगर सर्वे हुआ तो क्या होगा? सर्वे तो कर लिए होता कुछ भी ना होने का, मदरसे भी चलेंगे, हिंदुस्तान भी कायम रहेगा। हाँ। ये तो सब कह रहे हैं मदरसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा नुकसान तो मोदी पहुंचा रहा। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान तो मोदी पहुंचा रहा, अमित शाह है, योगी है, मकानों पर बिल्डोजर चल रहे हैं। कहीं कभी हुआ है आज तक 70 साल हुकूमत? हाँ, ये कभी हुआ है आज तक? सर बिल्डोजर चल रहे हैं, बेईमानी है सारी उनकी हुकूमत है, ताकत शुजात सब कुछ उनके पास है, हम क्या कर सकते हैं? चाहे सो करो, करते रहते हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आपके मदरसों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमानों को नहीं निशाना बनाया जा रहा है कि मुसलमान ईमान मदरसों को बंद करने के लिए, कि इनका जो दीन बढ़े नहीं। अच्छा। दीन को नुकसान कर मरकज हमारा बंद कराया काय के लिए? कि इनका दीन का काम नहीं हो, दीन का काम खत्म हो, ये मुसलमान हिंदू बने, इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा जबरदस्ती। चलिए, शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो तमाम लोग हैं इलाके के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो ज्ञानवापी का मामला है, इसमें जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आ गई थी और उस पर एक भरोसा था, उसके बाद फिर क्यों ऐसा हुआ कि एक मस्जिद के बाद फिर दूसरी मस्जिद को निशाना बनाया गया, और अब कैसे भरोसा फिर अदलिया पर रहेगा, कैसे भरोसा अदालतों पर बाकी रहेगा? मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ये तमाम चीज़ें की जाएंगी।
दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।